हाई एवरी वन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, न्यू बैच हमने स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम आपको साइंस और मैथ्स के सब्जेक्ट को दोबारा सब कुछ पढ़ा रहे हैं, सब चैप्टर्स को, सभी प्रैक्टिस सेट को, वो भी एकदम डिटेल में बेस्ट क्वालिटी डिटेल बोर्ड के साथ पढ़ा रहे हैं। वैसे तो पूरा सिलेबस हमने कंप्लीट कर रखा है, व्हाइट बोर्ड के सारे वीडियोज, सारे के चैप्टर्स के, साइंस हो, मैथ्स हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स हो, आपको मिल जाएंगे। तो आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो कोई भी चैप्टर का नाम डाल के, हमारे जेआर ट्यूटोरियल का नाम साइड में डाल देना। एग्जांपल के तौर पे मान लो आपको पढ़ना है सेवंथ का मैथ्स का इंडाइसेस, तो आप डालोगे सेवंथ मैथ्स चैप्टर 6 इंडाइसेस बाय जेआर ट्यूटोरियल। ऐसे कोई भी सब्जेक्ट का टॉपिक डालो, बाय जेआर ट्यूटोरियल टाइप करो यूट्यूब पे, डायरेक्ट जाके हमारे वीडियोस आपको टॉप के रैंकिंग में देखने मिल जाएंगे। तो कीप वॉचिंग द वीडियोस एंड कीप शेयरिंग ऑल्सो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो शायद फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं पढ़ नहीं पा रहे, कहीं सारे ऐसे बच्चे जो ट्यूशंस जाना चाहते लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन के वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, रूरल एरिया के हैं, कई सारे ऐसे बच्चे। तो देखो ये जो चैनल हमने जब स्टार्ट किया था, हमारा एक ही मकसद था। लॉकडाउन का दिन था, मेरी भी हालत खराब ही थी, मेरे पास भी जॉब था लेकिन वो जॉब चला गया था, तो मेरे पास कुछ नहीं था करने के लिए, बस एक स्किल था जो कि मैं ऑफलाइन क्लासेस वगैरह कभी कभार पढ़ाता था, तो एक स्किल था, वो स्किल को मैंने यहाँ पे लेके आया। और आप 4 साल में देख सकते हो कि 4 साल में हमने क्या अचीव किया है और कितना फास्ट ग्रोथ किया है। तो ये आप लोग का प्यार और सपोर्ट है, लेकिन ऐसे ही प्यार सपोर्ट आगे बढ़ाओगे तो हम बहुत सारी चीज़ प्लान कर चुके हैं। अभी आप तो सेवंथ में हो तो आपको पता है ये चैनल पे 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं सभी चीज़ें, 11वीं, 12वीं के एक सेपरेट चैनल है जेआर कॉलेज, और भी कई सारे चैनल है, जेआर टॉक्स एंड स्किल्स चैनल है जो आपको टॉक्स यानी कि मोटिवेशन चीज़ें, स्किल्स की चीजें सिखाते हैं। तो जाके विजिट करो, हमारा व्लॉगिंग चैनल है, व्लॉग कैसे करते हैं वो सब चीज वहां पे हम डाल रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो प्लीज सपोर्ट करो हमें, और आगे आने वाले दिनों में तो देखो और क्या क्या होता है। अगर आप प्यार दोगे और जरूरतमंद तक लोगों तक शेयर करोगे तो शायद बहुत सारे अच्छे बच्चे होंगे जिनको पढ़ना है और वो पढ़ के बहुत आगे बढ़ सकेंगे। ठीक है, चलिए ये वीडियो की शुरुआत करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर कौन सा चल रहा था? चैप्टर नंबर 6 चल रहा था, इंडाइसेस नाम है इस चैप्टर का। और ये इंडाइसेस सेवंथ मैथ्स का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए भी माना जाता है क्योंकि ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूला पता है, अगर आपको पता है कि किस प्रकार से कोई भी एक नंबर का पावर यानी इंडेक्स दिया है तो इसको कैसे हम लिख सकते हैं। फर्स्ट जो लेक्चर था, आज लेक्चर नंबर 2 लाया हूं, फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था बच्चे कि क्या होता है बेस, उसका इंडेक्स क्या होता है, उसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है। अगर आपको कोई बोल रहा है कि 5 और रेस टू 3, तो 5 रेस टू 3 का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ये सब चीज हमने एक्सप्लेन किया। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज जाके देख लो। आज लेक्चर नंबर 2 में हम आगे के प्रैक्टिस सेट नंबर 27 की भी बात करेंगे। और सबसे पहला जो टॉपिक आज हमें पढ़ना है वो है कि जो हमारे इंडाइसेस होते हैं या फिर जो हमारे टर्म्स होते हैं उसको हम लोग किस तरीके से बच्चे स्क्वायर एंड क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, चलो तो स्क्वायर एंड क्यूब हमारा टॉपिक है जिसमें सबसे पहला चीज द सेकंड पावर। अगर आप देखोगे, देखो डेफिनेशन में पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूं सबसे पहले, तो सबसे पहले डेफिनेशन हम समझ लेते हैं क्या बोलता है। डेफिनेशन क्या बोलता है, द सेकंड पावर ऑफ एनी नंबर, मतलब कोई भी नंबर हो और उसके रेस 2 में 2 लिखा हुआ है यानी सेकंड लिखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर है, कोई भी ले सकता हूं मैं, 17 ले लिया, अब 17 के ऊपर 2 लिखा है, कोई भी नंबर हो 18 है 18 के ऊपर 2 लिखा है, कोई भी नंबर है 100 है 100 के ऊपर 2 लिखा है, तो 2 का मतलब होता है स्क्वायर। यानी इसको पढ़ेंगे कैसे, 17 स्क्वायर, इसको पढ़ेंगे 18 का स्क्वायर, 100 स्क्वायर, पॉइंट में भी हो कोई नंबर, जैसे 0.5 है और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर। कोई फ्रैक्शन वाला है 3/4 लिखा है, इसके ऊपर स्क्वायर, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, 3/4 का स्क्वायर। तो अगर ऐसे नंबर आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। तो सेकंड पावर ऑफ एनी नंबर, कोई भी नंबर के ऊपर 2 लिखा हुआ यानी उसका सेकंड पावर है, तो उसको बोला जाता है स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। अब स्क्वायर है मतलब उसको खुद को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सी बात है। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 5 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट इज नथिंग बट 25। अगर आपको वैल्यू पूछेगा निकालने के लिए तो आपको इस प्रकार से मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालना है, और सिंप्लीफाई करने बोल दिया, खाली कुछ नहीं बोला, खाली बोला है सिंप्लीफाई करो, तो बस 5 स्क्वायर का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ऐसा करके भी छोड़ोगे तो भी चलेगा। एग्जांपल्स प्रैक्टिस सेट के लाया हूं उसमें ज्यादा अच्छे से समझेगा, लेकिन पहले ये कंसेप्ट को, जो कॉन्सेप्ट होता है उसको समझ के ले लो। अब एक और चीज है, थर्ड पावर, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है जिसके ऊपर 3 लिखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 4 है, 4 के ऊपर 3 लिख दिया, 4 का क्यूब बन गया, 5 का क्यूब बन गया, 0.5 के ऊपर 3 लिखा है 0.5 का क्यूब बन गया, 1/2 लिखा है इसके ऊपर 3 लिख दिया तो ये 1/2 का क्यूब बन गया। तो जिस प्रकार कोई भी नंबर के ऊपर 2 लिखा है तो उसका स्क्वायर बनता है, वैसे कोई भी नंबर के ऊपर 3 लिखा है तो उसका क्यूब बन जाता है, और क्यूब का मतलब क्या होता है, आपस में 3 बार मल्टीप्लाई होना। समझ में आया? तो ये 2 बेसिक टर्म आपको समझ में आ गया होगा। इसका एग्जांपल अगर मैं बात करूं, एग्जांपल कुछ भी ले सकते हो, जैसे 5 है 5 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट इज नथिंग बट 5 5 25 25 5 125, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक्चुअल में टॉपिक शुरू होता है जो कि है मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंडाइसेस विद द सेम बेस।
मतलब इंडाइसेस का मल्टीप्लीकेशन तो हो रहा है लेकिन उनके बेस सेम है। अब बेस का सेम होना मतलब क्या कि जो नीचे के जो नंबर्स होंगे वो सेम होंगे और उनको मल्टीप्लाई करना है। यूजुअल तौर पे आपने कई सारे मल्टीप्लीकेशन बचपन में किए होंगे, आपको डायरेक्ट बोला होता है 5 मल्टीप्लाई पे 5 करो, बॉक्स दिया रहेगा, आप लिखोगे 25। लेकिन कभी ऐसा दिया है क्या मल्टीप्लीकेशन, आपने कभी देखा है ऐसा मल्टीप्लीकेशन कि 2 raise to 5 मल्टीप्लाई बाय 2 raise to 3, ये कैसे होगा पॉसिबल? तो इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला अप्लाई होता है जिसको बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ इंडाइसेस फॉर्मूला या फिर इंडाइसेस का फॉर्मूला, जो कि ये है। ये क्या है? एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है जिसके हेल्प से हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस को। तो क्या होता है, ए रेस टू एम मतलब कोई भी नंबर के ऊपर एक पावर मल्टीप्लाई बाय वही नंबर और उसके ऊपर कोई दूसरा पावर। मतलब आप देख पा रहे हो कि जो बेस है यानी जो नीचे वाले नंबर है दोनों के दोनों सेम रहेंगे। इसमें भी ए है एम, ए रेस टू एम, इसमें भी ए रेस टू एन है, मतलब नीचे वाले दोनों नंबर सेम रहेंगे और सेम होना जरूरी भी है, तभी तो ये फॉर्मूला वर्कआउट होगा और सेम होंगे तभी तो वो मल्टीप्लाई हो पाएंगे। तो ए रेस टू एम मल्टीप्लाई बाय ए रेस टू एन अगर आता है कहीं पे भी, मतलब समथिंग कोई नंबर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई बाय वही नंबर के ऊपर कोई दूसरा पावर अगर है, तो उसका मतलब ये होता है कि आपको दोनों का जो बेस है वो सेम है, तो उसको एक ही बार लिखना है। तो दोनों में ए है, इसके लिए ए लिख दिया और ऊपर वाले दोनों पावर को यानी इंडेक्स को आपको प्लस करके लिख देना है, एम प्लस एन कर देना है। दिस इज द फॉर्मूला। कैसे करना है देखो ध्यान से, इसको कैसे सॉल्व करोगे, आपको क्वेश्चन आएगा 2 raise to 5 मल्टीप्लाई बाय 2 raise to 3 कैसे सॉल्व करोगे। देखो 2 raise to 5 तो आपने लिख दिया 2 raise to 5 मल्टीप्लाई बाय करना है आपको 2 raise to 3 ठीक है। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू माय फॉर्मूला फॉर्मूला मेरा क्या बोलता है, फॉर्मूला बोलता है कि अगर कोई नंबर के ऊपर पावर है मल्टीप्लाई बाय वही नंबर के ऊपर कोई दूसरा पावर है तो इसका मतलब होता है वो नंबर आपको लिखना है और ऊपर के दोनों पावर को प्लस कर देना है ठीक है। ये हमारा क्या है बच्चा, फॉर्मूला है। ये क्या है, फॉर्मूला। तो हम इसमें केस में कैसे लिखेंगे, इस केस में हम लोग लिखेंगे 2, ये जो नंबर है नीचे वाला बेस जो है उसको सेम लिखेंगे और ऊपर वाले दोनों को प्लस कर देंगे यानी 5 plus 3। तो ये हो जाएगा 2 raise to 8। बताओ 5 plus 3 क्या होता है, 8, तो 2 raise to 8 हो गया। और आपको अगर पूछेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑल्सो, तो अगर आपको वैल्यू पूछेगा, देखो ये तो सिंप्लीफाई करने पूछेगा, इतना ही करना है, 2 raise to 8 हो गया खत्म। लेकिन आपको वैल्यू अगर निकालने बोलेगा तो इसका वैल्यू कैसे निकालोगे, 2 raise to 8 मतलब 2 को 8 बार लिखोगे, ऐसा 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और एक और 8 आएगा और इसका कुछ वैल्यू जो आएगा वो वैल्यू आप फाइंड आउट करके लिखोगे। लेकिन वैल्यू पूछता नहीं है जनरल तौर पे ऐसे केस में, आपको डायरेक्ट सिंप्लीफाई करने पूछेगा। एक और एग्जांपल देखो, यहां पे क्या करना है, -3/4 एक नंबर है उसके ऊपर स्क्वायर, अगेन -3/4 है उसके ऊपर क्यूब, यानी बेस जो है जो नीचे वाला नंबर हो रहा है वो दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो मतलब -3/4 एक बार लिख दो आप और उसके ऊपर जो दोनों पावर है बीच में मल्टीप्लाई है तो दोनों पावर प्लस हो जाएगा, तो 2 plus 3 हो जाएगा, तो दैट इज नथिंग बट -3/4 ब्रैकेट में लिख दिया और 2 plus 3 होता है 5 raise to 5, दिस इज योर फाइनल आंसर, खत्म। तो बस यही करना है आपको, पूरा के पूरे प्रैक्टिस सेट में जो एग्जांपल्स अभी मैं सिखाने वाला हूं इसमें यही सब करना है और ये इतना इजी होता है कि मतलब मेरे हिसाब से तो आंख बंद करके आप इसको चुटकी बजा के लिख सकते हो एग्जाम में जब ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट को। तो ये रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 27 और इसके अंदर भी 6-7 एग्जांपल है, फटाफट से देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे, सिंप्लीफाई करने बोला, देखो हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सिंप्लीफाई करो, अगर पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ तो पूरा पूरा वैल्यू निकालना पड़ेगा, लेकिन सिंप्लीफाई करने बोला है तो सिंपली हम फॉर्मूला लगाएंगे और छोड़ देंगे। क्या करेंगे देखो, 7 raise to 4 मल्टीप्लाई बाय 7 square, देखो ये भी 7 है ये भी 7 है और उसके ऊपर दूसरा स्क्वायर है, सॉरी इसके ऊपर दूसरा इंडेक्स है, इसके ऊपर दूसरा इंडेक्स है, तो आपको पता है क्या करना होता है, 7 raise to 4 मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट वॉट, 7 raise to, दोनों नीचे का सेम है तो एक बार 7 लिखा और ऊपर वाले दोनों को प्लस यानी 4 plus 2, तो ये क्या हो जाएगा, 7 raise to 6 हो जाएगा, खत्म कहानी। फॉर्मूला लिखना जरूरी है, कहां से आया, कहां से आया फॉर्मूला, ए रेस टू एम मल्टीप्लाई बाय ए रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम प्लस एन, दिस इज द फॉर्मूला, ये लिखना जरूरी है। ये फॉर्मूला आप बताओगे कि देखो ये वाले फॉर्मूले से मैंने ये निकाला है, तो 7 raise to 6 इज द आंसर, समझा कितना इजी है, बस ऊपर के दोनों को प्लस करके लिख दिया। यहां पे भी देखो ये भी -11 ये भी -11, तो -11 raise to 5 मल्टीप्लाई बाय -11 raise to square इज नथिंग बट वॉट, -11 raise to, ये 5 और ये 2 को प्लस कर दो, 5 plus 2, दैट इज नथिंग बट -11 raise to 7 हो जाएगा, दिस इज द आंसर। फॉर्मूला लिख देना, ए मल्टीप्लाई बाय ए रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम, दिस इज द फॉर्मूला, यहां से आया, सिंस करके लिख सकते हो, समझा। अब बार बार फॉर्मूला मैं लिखूंगा नहीं, आप लोग समझदार हो, लेकिन आप लोग जब भी सॉल्व करना एग्जाम में फॉर्मूला जरूर साइड में लिख देना, ठीक है। मैं अभी फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, आप मैं डायरेक्ट कराऊंगा क्योंकि आप समझदार हो गए हो, अभी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो यहां पे भी देखो, 6/7 6/7 इसके ऊपर 3 इसके ऊपर 5, कुछ नहीं करना है, तो पहले एक बार सेम टू सेम लिख दो, 6/7 raise to 3 मल्टीप्लाई बाय 6/7 raise to 5, इसके बाद अगला स्टेप क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम है नीचे वाले तो 6/7 एक ही बार लिखना और ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर वाले दोनों प्लस हो जाते हैं, हमेशा याद रखना,
थ्री प्लस फाइव, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 6/7 रेस टू 3+5 होता है 8, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, खत्म। कितना इजी है बताओ, मतलब कुछ भी एफर्ट, कुछ भी ताकत, कुछ भी दिमाग, ऐसा रॉकेट साइंस लगाना पड़ रहा है क्या इसमें? नहीं, इतने इजी एग्जांपल्स होते हैं, और ऐसे एग्जांपल्स आप सोचो एग्जाम में पूछे जाएंगे तो क्या ही मजा आ जाएगा, ठीक है ना। चलो -3/2 -3/2 अगेन -3/2 इसके ऊपर 5 मल्टीप्लाई बाय -3/2 रेस टू क्यूब, तो इसके लिए क्या हो जाएगा -3/2 रेस टू ये 5 और ये 3 प्लस हो जाएंगे 5+3 दैट इज नथिंग बट -3/2 ब्रैकेट में 5+3 होता है 8, खत्म कहानी, ठीक है। कितना ईजी है बताओ, है कि नहीं? बस फॉर्मूला लिखते जाना, ये जो फॉर्मूलेज मैंने लिखे हैं ना ये सभी के क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूले आएंगे कि आया कहां से, एग्जामिनर चेक करेगा तो बोलेगा कि यार तूने लिखा ठीक है लेकिन आया किधर से, तो फॉर्मूला लिखना। मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी मैंने लिखा दिया बहुत बार, तो आप लोग हर एक एग्जाम्पल के आंसर में फॉर्मूला लिखोगे कि यहां से आया हुआ है, ठीक है। चलो अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं, और जो एग्जाम्पल देखो कितना ईजी है, a^16 × a^7 क्या है, a^16 × a^7 क्या हो जाएगा, a दोनों में सेम है, बेस सेम है, ऊपर वाले को प्लस कर दो 16+7 तो कितना हो जाएगा a^16 + 7 कितना होता है भाई 23 होता है, तो a^23 खत्म कहानी, यही आंसर है। फॉर्मूला लिख दो कहां से आया, a^m × a^n = a^m+n यहां से आया, खत्म कहानी, कितना इजी है बताओ। एक आखिरी क्वेश्चन देख लो, p/5 3/7 तो ये हो जाएगा p/5 3/7 p/5 बेस सेम है, ठीक है, बेस सेम है, p/5 ले लिया, ऊपर के दोनों प्लस हो जाएंगे यानी 3+7 हो जाएंगे, दैट इज नथिंग बट p/5 रेस टू 3+7 इज नथिंग बट 10, दिस इज योर आंसर। फॉर्मूला लिखना है, लिख दो दैट इज a^m × a^n = a^m+, इजी है, खत्म कहानी, दैट्स इट, यही था हमारा लेगो लेक्चर, यही लेक्चर है और कुछ नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा? तो बस इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट, छोटा सा प्रैक्टिस सेट जिसका नाम था प्रैक्टिस सेट 27, ये होता है कंप्लीट। आगे ऐसे भी और भी टॉपिक्स हैं, जैसे ये तो आपने कि कोई एक बेस है उसके ऊपर पावर मल्टीप्लाई बाय समथिंग है, तो वैसे एक और एक्सरसाइज है, मैं चाहता तो इसी में कंटिन्यू कराऊंगा, लेकिन हमने स्टार्टिंग से डिसाइड किया था कि हम हर प्रैक्टिस सेट के अलग अलग वीडियो लेकर आएंगे, इसके लिए मैं कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ। देखा जाए तो छोटा सा वीडियो बनाए, मैं कंटिन्यू कर सकता था, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि सेपरेट सेपरेट वीडियो रहे ताकि आप लोग को भी ढूंढने में कंफ्यूजन ना हो। तो आज का वीडियो इसी के साथ एंड करेंगे, लेकिन अगला लेक्चर भी कंटिन्यूस लाऊंगा जिसमें हम डिवीजन वाला पार्ट देखेंगे, बहुत मजा आने वाला है आप लोग को भी हमारे साथ, तो बस बने रहिएगा, प्यार देते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों जरूर से कमेंट करके बताना, वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।